आखिर क्या है ये गिम्बल? किस खेत की मूली का नाम है ये गिम्बल? किस काम आता है? नॉटी ओरा के बहने उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले। देखो गिम्बल मेरे पास है डिजिटेक का 3 एक्सिस गिम्बल। काफी ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि ये आपकी वीडियो में काफी ज्यादा स्टेबलाइजेशन ला देता है, मतलब काफी ज्यादा लाई देता है, क्योंकि आजकल तो आईफोन्स में भी काफी हद तक आपको सिनेमैटिक मोड मिलता है जो कि स्टेबलाइजेशन ऑलरेडी ला देता है, लेकिन जो एंड्रॉइड है उनमें इतनी ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं होती और काफी हद तक ये सारी वीडियोस को स्टेबलाइज कर देता है। आप कोई भी डिवाइस यूज कर लो तो मार्केट में महंगे से महंगा सस्ते से सस्ता गिम्बल मिल जाता है। देखो आप मेरे पास जो है वो है डिजिटेक का 3 एक्सिस गिम्बल। काफी ज्यादा सबसे ज्यादा बजट आई थिंक गिम्बल वन ऑफ द बेस्ट गिम्बल यही मिलेगा, जिसका आपको प्राइस 5,000 के अराउंड मिल जाएगा। डिस्काउंट लगा के और भी सस्ता मिल जाएगा। काफी लोग आजकल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब की वीडियोस बनाना चाहते हैं, व्लॉगर बनना चाहते हैं और भी कुछ बनना चाहते हैं, तो उनकी वीडियो बनाने की जर्नी में काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गिम्बल। देखो मेरे भी काम करता है इसीलिए मैंने खरीदा है। तो इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं, इसके डब्बे में क्या मिलेगा और इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्या ये आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता भी है या नहीं, और क्या है ये गिम्बल। इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले, डब्बे में आपको क्या मिलेगा, क्या परफॉर्मेंस है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले डब्बा को खोले, डब्बे के अंदर आपको केस मिल जाएगा जिसके अंदर गिम्बल रखा हो, उसके अलावा इसमें क्या मिलेगा उसकी भी बात कर लेते हैं। बड़ा सा पर्चा मिल जाएगा जो कि मैनुअल है, मैं बोलूंगा यार जरूरत पड़ने वाली से संभाल के रखना। साथ में आपको एक स्ट्रैप मिल जाएगा जिसे आप केस के ऊपर लगा के केस को कहीं भी लटका सकते हो। नीचे की ओर आपको 3 लेग्स मिल जाएंगे जो कि ट्राइपॉड लेग्स भी आप बोल सकते हो, इसे गिम्बल के नीचे लगाओ और ट्राइपॉड की तरह भी यूज कर सकते हो। साथ में कोई स्ट्रैप मिलेगा जिसे अगर आप गिम्बल में फंसाओगे और अपने हाथ में लगा लोगे तो गिम्बल गिरने से बच जाएगा। अगर आपसे भी लोग जलते हैं तो आपके पास सुई धागा तो ऑब्वियसली होगा उनकी फटी सिलने के लिए, तो आप उस सुई को यूज करते हो स्ट्रैप को निकालने के लिए। माइक्रो यूएसबी की केबल मिल जाएगी। साथ ही में आप ओपन करते हैं अपने बॉक्स को, इसके अंदर आपको गिम्बल रखा मिल जाएगा जिसकी बिल्ड एंड क्वालिटी काफी अच्छी, काफी सारे इसमें आपको कंट्रोल्स भी मिलेंगे जिसकी आगे बात करने वाले हैं। साथ में जिसको तो चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, पीछे को कैमरा बटन मिल जाएगा जिसे क्लिक करके आप वीडियो पॉज ऑन कर सकते हो। साथ ही में आपको साइड में एक जूम इन जूम आउट का बटन मिलेगा जिसे आप पर्टिकुलर ऐप के साथ यूज कर सकते हो। काफी बेसिक सी चीज है और काफी सही सही क्वालिटी की मैं बोलूंगा चीजें आपको मिल जाती है। उसके अलावा इसका एक ऐप भी आता है जिसका नाम है गिम्बल प्रो ऐप, जो कि आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं और उसमें क्या क्या फीचर एडवांटेजेस आपको मिलने वाले। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज बता दूं, इसमें काफी डिफरेंट मोटर्स लगे हैं। जो सबसे वाला नीचे मोटर है जो सबसे ज्यादा रोटेशन 330 डिग्री तक की देता है, पूरी 360 डिग्री ऑब्वियसली नहीं दे पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लोक है जहां पे ये टकरा के लुक जाता है। ऊपर वाला जो मोटर वो 320 डिग्री की आपको रोटेशन दे देगा। उसके बाद इसकी बात करूं लोड कितना उठा सकता है, 300 ग्राम तक का अगर आपका डिवाइस है तो उतना लोड ये इजिली उठा लेगा, कोई बात नहीं। अगर आप कवर के साथ भी यूज करते हो 300 ग्राम के नीचे अगर उसका वेट आता तो ये इजिली उठा लेगा, कोई इशू वाली बात नहीं। साथ ही इसमें लोक मोड मिल जाएगा। देखो जैसे आप इसमें अपना फोन लटकाओगे नीचे की ओर लटके तो समझ सकते हो कैसे लग रहा है। Okay. इसीलिए आपको इसका बैलेंस खुद बनाना पड़ेगा। पीछे जो नोब है इसको थोड़ा खोल के ढीला करके ऊपर नीचे करके आपको अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। हर अलग फोन का अलग अलग वेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसे खुद ही अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। उसे एडजस्ट करने के बाद जैसे ये प्रॉपरली आप एडजस्ट कर लोगे, ऑन करोगे, ऑन करने के बाद जब ये नीचे गिरेगा तो समझ लेना थोड़ी और जरूरत है एडजस्टमेंट की। लेकिन अगर ये नहीं गिरेगा तो ये प्रॉपर स्टेबल हो जाएगा, और जैसे प्रॉपर स्टेबल होगा तो आप देख सकते हो काफी अच्छे से स्टेबल हो चुका है। ऐसी कोई बात नहीं कि स्टेबल नहीं होगा, प्रॉपरली स्टेबल हो जाएगा, आप देख सकते हो वीडियो में भी। साथ ही में इसमें काफी फीचर्स भी मिल जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको 4 मोड्स मिलते हैं। एक मिलता है ऑल फॉलो मोड जिसमें जो आपका रोल एक्सिस है वो लॉक हो जाता है। दूसरा मोड है हाफ फॉलो मोड। देखो अगर आपको मोड्स में चेंज करना है तो आपको यहाँ पे मोड का बटन दिख रहा है, सिंगल क्लिक करना है। एक बार क्लिक करोगे तो अगला मोड चेंज हो जाएगा। हाफ फॉलो मोड पे जो टिल्ट और रोल एक्सिस है वो वाले लॉक हो जाते हैं। तीसरे मोड के लिए आप एक और बार इसे क्लिक करोगे मोड वाले बटन को तो लॉक फुल मोड हो जाएगा, जिसमें ये पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। देख सकते हो बिल्कुल भी मूव नहीं करा फोन। उसके अलावा जो फोर्थ है जो कि फर्स्ट पर्सन व्यू इसमें आता है, फर्स्ट पर्सन व्यू में आप जैसे क्लिक करोगे ये प्रॉपरली आप देख सकते हो काफी डिफरेंट एंगल्स पे अपनी मर्जी से घूमने लग जाता है, जो कि फर्स्ट पर्सन अगर आपने गेम्स खेली है तो आपको पता ही होगा, अगर पीओवी वाली वीडियोस भी देखी है तब भी आपको पता होगा। उसके अलावा इसमें बात करूं, इसमें आपको वर्टिकल मोड भी मिलता है। बस 3 बार जो इसका मोड है इसको क्लिक करना, 3 बार क्लिक करने के बाद ये वर्टिकल मोड पे चला जाएगा। रील्स वगैरह बनानी शूट करनी इजिली कर सकते हो। उसके अलावा इसमें भी आपको सेम वर्टिकल मोड पे भी सेम मोड्स मिल जाते हैं, ऑल फॉलो, हाफ फॉलो मोड, ये सारे मोड आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करूं इसके ऐप की, जल्दी से बात कर लेते हैं इसके ऐप की। और जिस ऐप को यूज करने गिम्बल के साथ उसका नाम है गिम्बल प्रो। ये देख सकते हो सिंपली मैंने एंड्रॉइड में डाउनलोड कर लिया, इजी टू यूज है, छोटा ही ऐप है। बस इसमें आपको ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए डिवाइस का। आप देख सकते हो सर्चिंग करेगा ऑटोमेटिकली, फिलहाल ये सर्च होने पे भी नहीं आ रहा क्योंकि मेरा गिम्बल बंद है। इसे टर्न ऑन कर लेंगे, देख सकते हो लाइटिंग जल चुकी है, टर्न ऑन हो चुका है और ऑटोमेटिकली गिम्बल का जो ब्लूटूथ है वो भी ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस में इसके ऐप में इसका नाम आ चुका है, कनेक्टेड ऑलरेडी हो गया है। अब जैसे मैं क्लिक करूँ एंटर टू कैमरा, इसमें आपको काफी सारे ऐप में भी डिफरेंट फीचर्स मोड मिल जाते हैं जो कि आपको सिंपल कैमरा में मिलते हैं। लेकिन यार इसमें कुछ फीचर है जो आपके सिंपल कैमरा ऐप पे नहीं चलेंगे, वो सिर्फ इसी वाले पर्टिकुलर ऐप पे चलेंगे। जैसे कि जूम इन जूम आउट का आप देख सकते हो, यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सारा जूम इन जूम आउट। बट यही चीज़ अगर आपको मैं बताऊँ कि आप सिंपल कैमरा पे कर पाओगे तो ये देख सकते हो मैंने ओपन कर लिया, वीडियो मोड पे चला गया हूँ मैं,
और वीडियो मोड पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जूम इन जूम आउट कुछ भी नहीं हो रहा। लाइव फेस ट्रैकिंग करनी, फॉलो मोड करना, वो स्पोर्ट्स वगैरह मोड करना, आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। तो जल्दी से आपको एक कंपेयर दिखा देता हूँ जो बिना गिम्बल के और एक गिम्बल के साथ। और देख सकते हो मेरे जो हाथ में फोन है वो वीवो V27 पे ये वीडियो बनी है, जिसमें ऑब्वियसली आईफोन की तरह स्टेबिलाईजेशन वाले फीचर्स नहीं है इतने ज्यादा, तो इसमें इतनी ज्यादा स्टेबिलाईजेशन नहीं है अगर डिफॉल्ट बात करूँ। लेकिन गिम्बल वाले में देख सकते हो काफी ज्यादा स्टेबिलाईजेशन आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी चीज है, यानी काफी अच्छा काम कर जाता है अपने हिसाब से। और भी इसमें आपको एक गंदी सी अब्बास मस्तान की मूवी जो मैंने खुद बनाई है वो दिखाने वाला हूँ। और साथ ही में जो इसका जॉयस्टिक है वो काफी अच्छे से काम कर जाता है, अगर आप स्लोली से घुमाओगे तो पूरा गिम्बल आराम से मूव करेगा, अगर थोड़ा जल्दी घुमाना है तो थोड़ा जोर से इसे मूव कर दो, बट जो जॉयस्टिक है प्रॉपरली वर्क करती है। जल्दी से बात करें इसकी बैटरी की, तो देखो कंपनी क्लेम करती है 2 घंटे चार्ज करने पे 12 घंटे तक तुम यूज कर सकते हो, लेकिन सच बताऊं 7-8 घंटे तक इसकी परफॉर्मेंस निकलने वाली, तो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और साथ ही में एक और चीज बता दूं, इसमें अपना फोन भी आप चार्ज कर सकते हो इसी से वीडियो शूट करते हुए। साइड पे आप देख रहे हो जो आपको एक बड़ा सा सॉकेट मिलता है यूएसबी टाइप वाला, वहां पे आप केबल फंसा के अपने फोन के साथ फंसा के इजीली चार्ज कर सकते हो, जो कि अच्छी चीज है। साथ ही में जो इसका पूरा का पूरा गिम्बल का वेट है वो 423 ग्राम्स है, अगर ज्यादा देर आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बाजू में हो सकता है हल्का फुल्का थकावट हो जाए। और साथ ही में इसका जो पावर वाल बटन है वो भी आप डिफरेंट कामों के लिए यूज कर सकते हो, अगर आप 2 बार उसे क्लिक करोगे तो आप फ्रंट कैमरा में शिफ्ट कर सकते हो, फ्रंट से आप रियर मेन कैमरा में भी शिफ्ट कर सकते हो, साथ में 3 बार क्लिक करने पे आप फोटो मोड में चल जाओगे, वीडियो मोड में चल जाओगे, मतलब काफी ज्यादा काम आ जाएगा पावर वाल बटन। साथ में ब्लूटूथ फोटोज वगैरह क्लिक करने बैक की जो बटन है उससे कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो काफी अच्छे फीचर्स मतलब हैंडी है, आपको बार बार फोन को छूने की जरूरत नहीं, आप अपने गिम्बल से अपने फोन के सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करूँ क्या इस प्राइस रेंज पे आपको ये गिम्बल खरीदना चाहिए। देखो इस प्राइस रेंज पे मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट गिम्बल जो कि मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ, देखो क्योंकि पर्सनली भी मैं यूज कर रहा हूँ इसे, तो मुझे तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस लगी। अगर आपके पास ज्यादा पैसा तो आप महंगी की ओर भी जा सकते हो। नहीं और बस यही था आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।